महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज। शरद पवार भ्रष्टाचार के सरगना, उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के चीफ, पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में बरसे अमित शाह। पुणे में बीजेपी के एक दिवसीय अधिवेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर भड़ास निकाली। लोकसभा चुनाव में हार के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के झूठे प्रचार को वजह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेगी और फिर से महायुति से सरकार बनेगी। शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दिया। उन पर भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख कहा। उन्होंने कहा कि उद्धव 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों के संग बैठे हैं। वे कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ और PFI के सपोर्टर की गोदी में बैठे हैं। उद्धव को शर्म आनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पदाधिकारियों से कहा कि वे महाराष्ट्र में महायुति सरकार को फिर से चुनने के एकमात्र लक्ष्य के साथ उसी तरह काम करें जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य हासिल करने के अपने लक्ष्य का पीछा किया था और जैसे मछली की आंख पर अर्जुन का अटूट निशाना था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दम भरा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले कम सीटें मिली हो पर उनका मतदाता आधार अब भी मजबूत बना हुआ है और इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मैदान में उतर जाएं। पुणे के सम्मेलन में अमित शाह की उपस्थिति में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने जोरदार भाषण दिए। बड़े बड़े दावे कर पदाधिकारियों में जोश भरने की कोशिश की गई। फडणवीस ने कहा कि किसी के निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना वे विपक्ष के आरोपों का करार जवाब दें। उन्होंने निर्देश दिया कि नेताओं को अगले मुख्यमंत्री के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए एक साथ आना चाहिए और नकारात्मक बातचीत से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले अकेले 1.5 करोड़ वोट जीते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 1.75 करोड़ वोट हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब अतीत में बीजेपी का NCP के साथ टकराव हुआ था तब सवाल उठाए गए थे कि NCP के साथ कैसे रहना है। हालांकि जब लक्ष्य तय हो जाता है तो हमें 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाकर समझौता करना होता है। बीजेपी महायुति लेकर आई है। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कहा है। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की आलोचना करते हुए कहा कि महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई सभी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को वे रोकने का काम कर रहे हैं।